भीमसिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व मनाने वास्ते गुजरात सरकार की बेनती ते सारे गुजरात तो वध चढ़ के इस प्रोग्राम च पहुंची सिख संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर उपस्थित पटना तख्त के परम पूज्य श्री इकबाल सिंह जी, राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह जी, दिल्ली से आए हुए परमजीत सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी सदस्य श्रीओ, सिख समाज के सब महानुभाव, मेरे प्यारे सिख भाइयों और बहनों, सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल की इस प्रसंग की शताब्दी की इस प्रसंग को उचित ढंग से उनका सेलिब्रेशन करने के लिए गुजरात सरकार को जो मौका मिला है हमारे सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और हम उनके ऋणी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, उनका त्याग, बलिदान, तपस्या, देश, संस्कृति, धर्म, उनका इतिहास हमारी नई पीढ़ी के लिए एक बड़ा प्रेरणादायी इतिहास है और उन्होंने सिख लोगों में देश भावना, धर्म भावना, भक्ति भावना जिस तरीके से सींची और इसके कारण आज सिख समाज हमारे देश के लिए एक बड़ी एसेट है। मैं जानता हूं कि जिस सिख समाज जिस तरीके से परिश्रमशील, उद्यमशील, प्रामाणिक, ईमानदार ये समाज है और दुनिया में एक भी सिख आपको भीख मांगने के लिए दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई सरदार आज दुनिया में कई जगह उनको हाथ पसोड़ता हुआ हमने कहीं देखा नहीं है। एक स्वाभिमान के साथ ये समाज जिस तरीके से जीवन जी रहा है और उसके कारण इस देश में जबी जबी कोई आपत्ति आई तो बलिदान देने के लिए सबसे पहले ये सिख समाज आगे खड़ा रहा है। आज हम देखते हैं सेना में सिख रेजिमेंट के कारण इस सेना का गौरव भी बढ़ा है। जिस तरीके से बताया कि आजादी के इतिहास में जितने क्रांतिकारी हुए, फांसी के फंदे को जिन्होंने चूमा, उसमें ज्यादा से ज्यादा सिख लोग थे। भगत सिंह को भी आज हम याद कर रहे हैं। अहमदाबाद की काला पानी की सजा में भी सिख समाज, उन्होंने वो यातना, वो वेदना सही है और देश, धर्म और संस्कृति के लिए मरने के लिए इस सिख का बच्चा कभी उन्होंने मुंह फेरा नहीं है और आगे आकर देश के लिए समर्पण दिया है। और उनको प्रेरणा देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस तरीके से हम बताए, उस वक्त की जो इतिहास सुनते हैं तो बाज से चिड़िया को लड़ाया, उस वक्त सभी लोगों को उत्साह देते हुए उन लोगों को मुगल के सामने लड़ाया और देश की संस्कृति को बचाया, धर्म को बचाया। और उस वक्त पांच पंच प्यारे
उन्होंने सभी लोगों को में से बोला कि बलिदान देने के लिए कौन तैयार है, तो पांच बंदे जो तैयार थे उसमें हमारे गुजरात के भी मोंक सिंह, वो उस वक्त वो खड़े होकर बलिदान देने के लिए तैयार थे, और पंच प्यारे जो उन्होंने बनाए उसमें गुजरात का भी गुरु गोविंद सिंह जी ने गौरव बनाया था। मैं आज घोषणा करता हूं कि द्वारिका यानी कि बेट द्वारका, जहां गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारे की एक गुरुद्वारा है, 5 करोड़ रुपया वो गुरुद्वारा का डेवलपमेंट के लिए गुजरात सरकार वो डेवलप करेंगी। और मुझे आज जिस तरीके से जो दिल्ली प्रबंधक कमेटी ने जो मोमेंटो दिया है उसमें सभी गुरुद्वारा का उसमें विवरण है, तो आने वाले दिन में वो द्वारका की गुरुद्वारा, बेट द्वारका की गुरुद्वारा, उसका भव्य डेवलपमेंट हो और 5 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वहां डेवलपमेंट के लिए देंगी। और आज दूसरा जो कच्छ में लखपत गुरुद्वारा है, वहां गुरु नानक गए थे, वहां रुके थे, वो भी ऐतिहासिक है, उनको डेवलप करने के लिए वहां भी 5 करोड़ की लागत हम लगाएंगे, और वो भी गुरुद्वारा अच्छी तरह से वहां डेवलप हो और पूरी दुनिया भर से सभी सिख संप्रदाय और सभी हिंदू संप्रदाय वहां माथा टेकने के लिए आए, उस तरीके की व्यवस्था बनाए, उसमें गुजरात सरकार 10 करोड़ रुपया की लागत लगाएंगी। और 350 साल की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो गुजरात में भी गुरु गोविंद सिंह जी की स्मरण में हम ये सब दोनों गुरुद्वारा को अच्छी तरह से डेवलप करने का आज हम संकल्प ले रहे हैं। मुझे आशा है कि ये दोनों गुरुद्वारा अच्छी तरह से बढ़िया डेवलपमेंट हो और पूरे विश्व में ये दोनों गुरुद्वारा अच्छी तरह से उजागर बने, उस तरीके से हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट ये बनाएंगे। फिर से मैं सभी देश भर के गुरुवाणी सुनाने के लिए, कीर्तन कराने के लिए, इतिहास को दिखाने के लिए सभी लोग बाहर से जो आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका ऋण भी मैं स्वीकार करता हूं। और गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल की शताब्दी की हम इस अवसर पर जो उत्सव मना रहे हैं, आने वाले दिन में सिर्फ सिख नहीं पूरे भारतवासियों उनमें से प्रेरणा लेते हुए हम हमारी धर्म संस्कृति भारत उनकी रक्षा करें, ये प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और फिर से गुरु गोविंद सिंह जी के इस 350 साल की सेलिब्रेशन के लिए गुजरात सरकार को जो मौका मिला हमने किया, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे आशीर्वाद कृपा गुजरात की धरती पर मिलती रहे और उनके आधार पर गुजरात डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़े और भारत का ग्रोथ इंजन बने। और नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनका जो कल्पना थी कि 350 साल की सेलिब्रेशन पूरे देश मनाए, और गुजरात ने भी आज उसका हमने सेलिब्रेशन करते हुए उनका ऋण स्वीकार किया है, मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। और आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम को लाइव बनाने के लिए गुजरात के कोने कोने से जो सिख लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय, जय जय गरवी गुजरात, और गुरु गोविंद सिंह जी की जय।